बड़ी खबर बता देते हैं, मुरादाबाद से बड़ी खबर आ रही है जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की पुलिस से नोकझोंक हो गई है। पुलिस से भिड़े हैं हाजी रिजवान। हाजी रिजवान का प्रशासन पर बड़ा आरोप, बूथों पर समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंट नहीं बनाने दिए गए हैं। हाजी रिजवान का ये आरोप है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं हाजी रिजवान, इनके एक एक वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर बार ये पुलिस के ऊपर सवाल खड़े करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े करते हैं। एक और इनको इनका वीडियो आप देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं ये और यहाँ पर पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं हाजी रिजवान। हाजी रिजवान का प्रशासन पर बड़ा आरोप ये है कि बूथों पर सपा के पोलिंग एजेंट नहीं बनाने दिए गए हैं। अब ये भी यही तय करेंगे तो कई चीजें तो समाजवादी पार्टी की जाती है वो खुद ही तय कर ले। कई इनके वीडियोस जो है पहले ये भी खबरें आई हैं कि इनने खुद ही वायरल करवाए हैं अपने आप को सुर्खियों में लाने के लिए। क्या कह रहे हैं सुनिए। आपको कितना अधिकार है पर्ची चेक करने का? अधिकार कैसे है चेक कर सके? मतलब आप पर्ची चेक करने का आपको अधिकार ही नहीं है? आपको किसने दिया अधिकार पर्ची चेक करने का बताइए? आपने लेटर देखा है? मैं दिखा दूं, नहीं हो तो आपके पास मार देंगे प्रशांत। तब ये भी समाजवादी पार्टी तय करेगी क्या बूथों पर सपा के पोलिंग एजेंट नहीं बनाए हैं, ये पूरा विवाद बताएं। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और यहाँ के प्रत्याशी भी हैं और इनका पुलिस से एक तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल हो रहा है। इनका आरोप है कि यह पुलिस ने यह चेकिंग पॉइंट बनाया है। हालांकि पुलिस संवेदनशील बूथों पे अक्सर जो है ऐसे बैरिकेडिंग लगा देती है, लेकिन ये जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, इनके द्वारा यहाँ पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई और जो हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ये गांव के अंदर जो चेक पोस्ट बनाया गया है उसको लेकर पुलिस से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं और काफी देर तक ये समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हंगामा करते रहे, जबकि इनको पुलिस समझा रही है कि यहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई है और यहाँ हालांकि किसी को रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जो लोग पीछे भी इनके लिए खबर यही आई थी कि ये जानबूझ के अपने वीडियोस जो है वायरल करवा रहे हैं ताकि ये सुर्खियों बने रहे। बैड पब्लिसिटी सही, लेकिन बैड पब्लिसिटी से ये जीत जाएं, ये खबरें इनके लिए आ रही थी। मैं आऊंगी आपके पास, एक बार सुना देते हैं हाजी रिजवान क्या आरोप लगा रहे हैं पुलिस को, पुलिस पर। मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे, किसी 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 300 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीख रही है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर, बोले तुम्हारे तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे, तमाम लोग खड़े हैं। और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर क्या पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालने, सब पूरी पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कि कुछ ठिकाना नहीं है। डीएम हुआ उसमें गदीपुरा के बूथ पे जाकर बैठ गए तो हालत ये हो रही है। पुलिस को जो है पूरी तरह कमान दे रखी है और पुलिस किसी तरह भी जो है वोट क्या नाम नहीं डालने दी जा रही। जो पर्ची हम लोगों ने भेजी है उनको क्या नहीं, इन पर्चियों से वोट नहीं पड़ेगा, जो लाल पर्ची है रामवीर सिंह वाली उसी से वोट पड़ेगा। तो लीजिए मतदान के दिन आज रिजवान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं उपचुनाव में करहल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। आप देख सकते हैं उपचुनाव में मतदान चालू हो चुका है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप हमारे साथ मौजूद। सर कैसे देख रहे चुनाव को, आपकी चेहरे की खुशी कुछ कह रही है? चुनाव जो है यहाँ के लोगों ने बहुत पहले से ही चुनाव में मन बना लिया था और यहाँ की जनता समाजवादी विचारों की रही हमेशा से, चाहे कितनी भी मुसीबत आई हो कितना भी परेशान किया गया हो सत्ता के द्वारा, लेकिन कभी यहाँ के लोगों ने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा और इस चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। कितना जोश दिख रहा है इस ठंड में मतदाताओं का और एक प्रत्याशी का? मतदाताओं का पूरा जोश है, आप देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा पोलिंग बूथों पर संख्या बढ़ेगी, लाइनें बढ़ेंगी और लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे। 13 तारीख का पहले चुनाव था, एक हफ्ते बढ़ा दिया गया तो लोग इंतजार में थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए और अच्छे जो है अच्छा रुझान देखने को। बस एक आखिरी चीज तेज प्रताप जी, ये कुछ मुद्दे बीच में आ रहे हैं बुरका कहीं कुछ कहीं कार्ड, इसमें क्या कहेंगे सर आप?
देखिए भाजपा के पास चूंकि विकास से संबंधित कोई मुद्दा नहीं है, आज साल की सरकार बीत गई लेकिन कोई भी ऐसा काम जनता के लिए नहीं किया जिसको लेके वो जा सके जनता के बीच में। तो ये ध्यान भटकाने के लिए और असल मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब चीजें भाजपा लगातार करती आई, पहले उनकी पुरानी आदत है। लेकिन जनता समझ चुकी, उसे पता है कि उसे रोजगार चाहिए, उसे जो है महंगाई कम चाहिए, ये सब चीजें हैं जो बड़े मुद्दे हैं। भाजपा के मुद्दों का कोई पूछ नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं तेज प्रताप जी से जो उनका कहना है कि वो अपनी पार्टी और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनका कहना है कि वोटरों में एक उत्साह है और वो समाजवादियों को ही वोट देंगे। रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज 18, करहल, मैनपुरी। तो लोकसभा चुनाव के दौरान तेज प्रताप को कन्नौज से प्रत्याशी बनाए जाने की खबरें थी जिसका विरोध शुरू हो गया था पार्टी के अंदर ही, और अब इनको करहल से विधायक के लिए उम्मीदवार बनाया गया है और टिकट दे दिया गया है। देखना यह बहुत जरूरी हो जाएगा, जीत मिलती है या फिर नहीं, क्योंकि इस सीट का इतिहास समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी इस सीट के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। आजम खान जी, आप बता दीजिए, करहल की जीत पक्की लग रही है एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को? बिल्कुल नीलू, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है और जो वोटर परसेंटेज है, जो हमारा मानने वाला सेगमेंट है यानी समर्थक है, वो बहुत ज्यादा है। नेताजी के टाइम से ही लोग मानते हैं कि नेताजी ने उनके लिए बहुत काम किया है। हमने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया इसलिए लोग मानते हैं, हमने बहुत काम किया वहां और लोग ये मानते हैं कि नहीं, ये जो नेताजी हैं और नेताजी के लोग हैं ये हमारे लिए हमेशा काम आते रहे हैं। इनकी तरह नहीं, भाजपाइयों की तरह की जाके खाली डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की जाती है। हम लोग लगातार उस क्षेत्र को देखते रहे हैं और लगातार मैनपुरी से सांसद रहे हैं नेताजी, और वहां से विधायक समाजवादी पार्टी का ही रहा है, इसलिए काम किया और काम के बल पे वोट मिलेगा। ठीक है, उन्हीं फैक्टर्स के लिए एक जवाब डॉक्टर परमवीर जी से ले लेते हैं। डॉक्टर परमवीर जी, क्या लगता है आपको, करहल सीट, ऐसे कौन से यहाँ फैक्टर्स काम करते हैं जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है हमेशा इतिहास बनाती है और यहाँ पर परंपरागत सीट बनी हुई है? देखिए, पहले एक कहावत होती है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्याति। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई एक व्यक्ति ही हमेशा नंबर वन पे रहने वाला है। अगर हम वास्तव में बात करें करहल सीट की, तो एक बार बीजेपी यहां से जीती भी थी और फिर माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने जो जीते थे उनको वापस समाजवादी पार्टी में लेकर आए थे और आज तक समाजवादी पार्टी में है। वो मैं नाम अभी कोट नहीं कर पाऊंगा, वो तीन चार बार लगातार विधायक बने थे लेकिन वो बीजेपी से भी जीते थे। हो क्या रहा है, देखिए वोटों का समीकरण जो कोई भी पार्टी हो वो मना करता है कि हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते। करहल सीट के ऊपर यादव जो है उनकी अच्छी खासी संख्या है, निर्णायक होते हैं वो, जिस तरफ यादव वोट पूरा पड़ जाता है तो वो जीत जाते हैं। इसी फैक्टर को मुलायम सिंह जी ने भी क्लब किया था, MY फैक्टर, मुस्लिम प्लस यादव फैक्टर। देखिए कोई कुछ भी डिनाय करता रहे लेकिन यही कारण था कि लगातार जो जीतते थे, क्योंकि ये निर्णायक 50% से ऊपर निकल जाएगी वोट यहाँ पर जो होती है इस तरीके की, तो यही बात यहाँ पर चलती आई थी। लेकिन अभी जनता समझ रही है, आज प्रचार का बहुत तरीका होता है, जैसे अभी दिखाया जा रहा था कि भाई आप वोटिंग आप पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं अभी होता क्या है कि जो पार्टी उम्मीदवार होते हैं ये चीजें मीडिया में आ जाती हैं, तो आप एक सीमा तक की उद्दंडता कर सकते हैं, मैं उद्दंडता ही बोलूंगा, व्यवस्था बनाई हुई है कि आपको इस व्यवस्था के अनुसार आपको वोटिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल का एग्जाम हो रहा होता है, व्यवस्था बनी हुई होती है कि अपने क्लासरूम में अपनी सीट पर ही बैठना है, जहां रोल नंबर अलॉट किया वहीं बैठना है। अभी अगर कोई शिक्षार्थी विद्यार्थी कहे कि नहीं मैं तो अपनी पसंद की जगह पर बैठ के पेपर लिखूंगा तो लिखने थोड़ी दिया जाएगा, तो जब संघर्ष होगा उसको लाइन में लाने के लिए तो आप कहेंगे कि हमारे साथ जाति हो रही है। पुराने टाइम में इलेक्शंस में ऐसा बहुत होता था, और अगर हमने देखा है जैसे नारे भी बात आ रही थी, मैं आप बीजेपी और सपा के लोग आपस में बहस रहे थे, नारों की बहुत बड़ी ताकत होती है जो चुनाव का परिणाम बदल देती है। अमेरिका में चुनाव हुआ, डोनाल्ड ट्रंप आए, तमाम बातें हो रही थी लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसके बारे में आना अनेक लोगों ने अपनी डेमोक्रेसी में छूट होती है जैसा मर्जी विश्लेषण कीजिए, लेकिन ये जनता से जुड़ा हुआ नारा था, तो वहां पर चुनाव का रिजल्ट बदल गया। इसी प्रकार से भारत में भी हमने देखा है कि जो बटेंगे कटेंगे आप जैसा मर्जी लीजिए, इसमें हिंसात्मक कुछ नहीं है, बटेंगे कटेंगे की बात राजनीतिक लोग अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन लोगों ने इसका दंश चाहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल आपकी बात से ये बात निकलती है कि हर पार्टी कहती है कि जाति की राजनीति वो नहीं करती है, धर्म की राजनीति वो नहीं करती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जहां ओबीसी सबसे ज्यादा अपने कैंडिडेट उतारे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को, मुस्लिम चेहरों को मैदान में उतारा है।